पूर्व मंत्री रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह ने पीएमओ को लिखा खत ओरछा से अयोध्या मार्ग को धार्मिक मार्ग घोषित करने की मांग की, पीएमओ से आया जवाब। ओरछा से अयोध्या जाने वाला रास्ता धार्मिक मार्ग बनाया जाए, इस बात की मांग की पूर्व मंत्री रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह ने। एक बहुत बड़े मील का पत्थर रीवा के विकास ने माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से छुआ है, जो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से मेरे द्वारा 7/10/22 को लिखा गया पत्र का जो प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से जवाब आया है, जिसको मुझे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अभी जवाब, एक लंबा जवाब प्राप्त हुआ है। दिनांक 30/1 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने मुझे मेरे पत्र पर लिखा है, जिसमें मैंने मांग करी थी ओरछा से अयोध्या तक पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए। और उसके बाद जब मेरी माननीय सतपाल महाराज जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से फिर से मुलाकात हुई, तो मैंने उनको पुनः स्मरण दिलाया कि ये पत्र मैंने निवेदन करा है ईमेल के माध्यम से, और उसको मैंने जोड़ा जिस प्रकार से चार धाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है उसी प्रकार से हमारे यहां करा जाए। उस पर एक लंबा पत्र मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से वहां से आया है, जिसमें उन्होंने 3 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करा है। प्रथम बिंदु जो है वो है, उन्होंने स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत विभिन्न जगहों पर जो पर्यटन की संभावना है और विकास के लिए राज्य सरकार को निधि दी जानी है, उसका पूरा उल्लेख करा है, जिसमें उनके अनुसार जो मध्य प्रदेश को राशि प्राप्त हुई है वो 350.55 करोड़ रुपए की राशि 4 परियोजनाओं के तहत में दी गई है मध्य प्रदेश को। प्रसाद योजना के तहत 94.82 करोड़ की राशि 6 परियोजनाओं को दी गई है उत्तर प्रदेश को, उसका भी उल्लेख इसमें दिया है क्योंकि अयोध्या उसमें जुड़ रहा है मेरे प्रस्ताव में। और उसके बाद 488.27 करोड़ की परियोजनाएं फिर से जो दी गई है, और 139.75 करोड़ की योजना 6 परियोजना में मंजूर की है हमारे दोनों राज्यों को। एक तो ये उल्लेख करा है। जो दूसरा उल्लेख करा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ASB2 के माध्यम से, इसके पहले जो था वो ASB1 के माध्यम से था, दूसरा है ASB2 के माध्यम से उन्होंने जो नई परियोजनाएं दी हैं उसमें परियोजना और पर्यटन केंद्र के दृष्टिकोण रखते हुए ये विचार किया जा रहा है, और पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना में अलग से जो पैसे दिए गए हैं उसका भी पूरा उल्लेख करा है। यह ये कहना बहुत जरूरी है कि ये दोनों वस्तुओं का उल्लेख बहुत ही विशेष महत्व रखता है मेरे इस पत्र पर, एक छोटे से पत्र पर, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूं कि इस पूरे प्रस्ताव को इतनी गंभीरता से लिया गया कि मुझे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चल रही धार्मिक और रूरल डेवलपमेंट की सारी योजना का पूरा ब्यौरा दिया गया है। उसके बाद में पत्र में अंतिम पैराग्राफ में यह उल्लेखित करा जा रहा है कि यद्यपि पर्यटन विभाग जो है ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभागों को भेज दिया गया है, प्रधानमंत्री जी के यहां से ये भेज दिया गया है। और उसके अलावा जो है
सड़क परिवहन मंत्रालय को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं और प्रयास है कि मैं माननीय भारत सरकार के पर्यटन मंत्री जयकिशन रेड्डी जी और आदरणीय वरिष्ठ मंत्री भारत सरकार के नितिन गडकरी जी से भी बात करूं और उनके डिपार्टमेंट में भी बात करूं, जहां पर मैं उनको और अपना प्रस्ताव वहां पर दूंगा कि इनको करना क्या चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये बात सामने आ रही है कि इसमें होना क्या चाहिए, किस प्रकार से हम अप्रोच करें। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ से ज्यादा राशि की आवश्यकता है ही नहीं। इसमें मैं केवल जो चाह रहा हूं वो ये चाह रहा हूं कि जितने बोर्ड हमारे लगे हैं उन बोर्ड में, फॉर एग्जाम्पल अगर नागपुर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको मध्य प्रदेश एंटर करते ही सिवनी में और उसके बाद में जबलपुर में 64 योगिनी के बारे में जानकारी दे दी जाए बोर्ड के माध्यम से, मैहर के बारे में जानकारी दे दी जाए, चित्रकूट के बारे में जानकारी दे दी जाए, बांधवगढ़ के बारे में जानकारी दे दी जाए, महामृत्युंजय और लक्ष्मण बाग के बारे में जानकारी दे दी जाए, प्रयाग के बारे में जानकारी दे दी जाए। तो अगर मान लीजिए अगर वो नागपुर से अयोध्या जा रहा है तो अगर बीच में भी कहीं उसको रुक के कोई देवी देवता स्थान का दर्शन करना हो तो वो आसानी से उसको कर सकता है, उसमें कोई खास खर्चा इन्वॉल्व होना नहीं है। लेकिन रूरल इकोनॉमी इससे 200% आगे बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से 200% आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी सड़कों के कारण, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत आभारी आभार के पात्र हैं और हम लोग उनको तहे दिल से आभार देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये भाग्य है, ये प्रारब्ध है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है जो जड़ में जाके विकास की बात कर रहा है और उसके वजह से ये पूरी रूरल इकोनॉमी हमारी लगभग 200% आगे बढ़ सकती है, जहां ढाबा से लेके होटल से लेके और भी बहुत सारे संसाधन हैं और जो मंदिरों की आय है वो भी काफी हद तक इसमें बढ़ जाएगी। ये मेरा प्रस्ताव इसमें और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके प्रश्न, सॉरी मैं रिपीट नहीं करता।